येलो व्हाट आर दी जय श्री राम दोस्तों, क्या हाल चाल सभी का। आई होप कि ते मस्त होला, बढ़िया होला। तो दोस्तों आज फाइनली बहुत सालों बाद आज फर्स्ट टाइम पे हमारी ड्यूटी का पहला दिन होने वाला है। बिकॉज आज मैंने एक कंपनी को ज्वाइन किया है तो वहाँ पे हम चलने वाले हैं क्योंकि हमारी ड्यूटी का फर्स्ट डे है। तो मैंने 24 तारीख को इंटरव्यू दे के आया था मैं, तो आज चलेंगे हम ड्यूटी पर। बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड और देखेंगे कि पहला दिन कैसा होने वाला है, वहाँ पर किस तरह से क्या क्या होगा, किस तरह का वहाँ का बिहेवियर होगा, किस तरह से वहाँ के मैनेजर्स स्टाफ वगैरह हमारे साथ कैसा ट्रीट करते हैं और हम उनके साथ किस तरह से ट्रीट करेंगे हमें, ठीक है। तो सब चीज़ें देखने लायक होगी और बहुत मज़ा आने वाला होगा आपको। बिकॉज़ भैया किसी की ज़िंदगी का जब पहला दिन होता है ना इस तरह का ज़िंदगी के अंदर, तो फर्स्ट डे है तो वो बहुत मेरे लिए बहुत ख़ास है। तो बस चलेंगे और देखेंगे कि वहाँ पर किस तरह का मैनेजमेंट, टाइमिंग, सब कुछ क्या होने वाला है। तो बनिए रहेगा वो लोग के साथ। और अभी तो क्या है कि देखो मैं सिटी जयपुर सिटी के अंदर से निकलूँगा ना, तो वे गाड़ी के ऊपर से वहाँ से वीडियो नहीं बना पाऊँगा बिकॉज अभी मेरे पास गोप्रो नहीं है। जब गोप्रो लेके आऊँगा तो गोप्रो से फिर सीधा पूरा रूट बताऊँगा मैं कि कहाँ कहाँ से क्या क्या होता है। इतना बता दूँगा मेरी जो है भाकरोटा के अंदर, वहाँ के अंदर फंजू है जिसके अंदर गो कार्टिंग की गाड़ियाँ चलती है और ATV जो गाड़ियाँ होती है बाइक, ATV बाइक्स, उनको फन के लिए यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पे हम काम करने वाले हैं, वहीं पे जॉब है मेरी, तो बस हम वहीं चलने वाले हैं। तो देखते हैं कि वहाँ पर किस तरह का पहला फर्स्ट डे का हमारा फर्स्ट डे इम्प्रेशन किस प्रकार का होता है, तो बनी रहेगा आप लोग के साथ। फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूं अपनी डेस्टिनेशन पर और ये सामने होटल है एक और अपना फंजू है वो ये है भाई, बाहर से कुछ इस तरह से दिखता है और यहाँ पे चलती है वो गाड़ियाँ। तो चलो दिखाते हैं आप लोगों को। तो पहले मैं मिलूँगा अपने दोस्त से धर्मराज से और फिर उसके बाद में देखेंगे यहाँ पे कैसा प्रोसेस होता है, ठीक है। लेट्स गो। तो मुझ के आ चुके हैं मुझके दोस्त के भाई धर्मराज। धर्मराज कितना दिनों का तुमने काम करता? गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग। कितना दिनों का तुमने काम करता? चार महीने ज्यादा हो गए तेरे को ना। तो गधा पचाई तो खूब कर लिया गधा पचाए ना। गाड़ियाँ वाड़ियाँ चला रहे देखा भाई? देखेंगे अभी, अभी देखेंगे भाई गाड़ियाँ वाड़ियाँ चलाएंगे, सब चीज़ें दिखाएंगे आप लोगों को। और इस फंजू को बहुत फेमस करना है हम लोगों को। अपने थ्रू भी यहाँ पे कोई आए तो फिर अपने थ्रू आएगा तो उसको कुछ प्रॉफिट प्रॉफिट हाँ थोड़ा बहुत ऑफ दिलाएंगे, 100% दिलाएंगे। तो ये हमारे मैनेजर साहब, ये है सामने अपनी गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी है। तो यहाँ पे अरे सॉन्ग चल रहा है, कॉपीराइट ना आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए भाई यहाँ पे दिखाते हैं आप लोगों को कैसी गाड़ी है। माय गॉड बहुत बड़ा ट्रेक है, लगभग 400 मीटर का ट्रेस है। गाइस ये है यहाँ का कंट्रोल रूम, यहाँ पे म्यूजिक वगैरह यहीं से कंट्रोल होती है और वाईफाई लगी हुई है यहाँ पे। और ये जो हेलमेट्स रखे हुए हैं ये सारे के सारे भैया कार्टे के अंदर काम आते हैं। देखो सारे हेलमेट्स हैं जो गाड़ियों पर चलते हैं। सर चाय नहीं पीता मैं भैया, मैं चाय पीता ही नहीं। येलो व्हाट आर दी
भाई गाड़ी चला ली मस्त, मजो आ गया यार गाड़ी चलावा में। एक बात है, मजो तो खूब आया यार गाड़ी चलावा के मायने। तो दोस्तों गाड़ी चलाने में मज़ा तो बहुत आया, और उसके बाद में ये देखिए भाई एक मैम आई थी, मतलब स्टाफ से ही थी ये भी, और दो मैडमें और आई थी और एक भैया आए थे साथ में, तो मतलब तीन चार स्टाफ के लोग और आए थे, तो इनकी भी जॉइनिंग थी आज फर्स्ट डे की, तो इन्होंने भी ये गो कार्ट चला के देखी, तो इनका फर्स्ट एक्सपीरियंस किस प्रकार का रहा था वो तो आप इस वीडियो में ही देख सकेंगे। और ये देखिए भाई ये हमारा रिसेप्शन जिसे बोलते हैं वो है, तो अभी मतलब काम चल रहा है रिसेप्शन का, और सामने वो भैया बैठा है बॉस हमारे दोनों, और धर्मराज भी यहीं खड़ा है, तो ये देख सकते हो अभी तो मतलब काम चल ही रहा है गाइस, यहाँ पर कंप्लीट काम हुआ नहीं है, बट हाँ ये कि 10 से 15 दिन के अंदर ये यहाँ का लगभग काम कंप्लीट हो जाएगा। बट आप इधर आगे की तरफ देखेंगे रिसेप्शन के पास में, तो यहाँ पर आपको किड्स जोन भी मिलेगा। यहाँ पर क्या है कि जो आरसी कार जो होती है ना, आरसी छोटी छोटी कारें होती है जो जिनके अंदर पावरफुल मतलब बैटरी लगी हुई रहती है, मशीन लगी हुई रहती है, मोटर, तो पावरफुल मोटर लगी हुई रहती है, तो आरसी कार जो आप देख सकते हो, आपने यूट्यूब पर भी देखा होगा, ये सामने अंकल जी के सामने देखो ये गाड़ी रखी हुई है ना छोटी छोटी, और ये डब्बे रखे देखो, इन डब्बों के अंदर आरसी कार हैं जो बच्चों के इनके चलाने के काम आती है। और अब हमने स्टार्ट कर दिया भैया गोप्रो से वीडियो स्टार्टिंग, इस वक्त मेरा दोस्त धर्मराज कार को चला रहा है, आरसी इसको क्या बोलते हैं, गो कार्ट चला रहा है, वो गो कार्ट बोलते हैं। अभी क्या है कि इसका जो नेम है गो कार्ट वो मेरे मुंह से थोड़ा कम निकल पा रहा है, और अभी कार ज़्यादा निकलता है, फोर व्हीलर ज़्यादा निकलता है भाई, चार टायरों पे चलते हैं ना इस वजह से, बिकॉज मेरे को इसकी आदत नहीं है, बट धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, तो गो कार्ट ही बोलेंगे। वैसे इसको गो कार्ट करते करते इसको गो कार्ट पता नहीं अजीब सा नाम लगने लग गया है मेरे को, गो कार्ट क्या नाम है यार, मतलब थोड़ा अजीब सा लगता है मेरे को, बाकी ऐसा कोई इशू नहीं है। तो अभी हाल फिलहाल देख सकते हो भैया यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से हमने वीडियोस वगैरह बनाए हैं, तो आप वीडियो की मज़े लीजिए और व्लॉग को पूरा देखना, बाकी अच्छा लगा हो व्लॉग तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे ही वीडियोस अगर आपको डेली चाहिए और भी शानदार तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के थ्रू यहाँ पर आओगे, जयसिंहपुरा रोड भांकरोटा के अंदर है, जयसिंहपुरा रोड है भांकरोटा के अंदर, वहाँ पर आपको ये फंजो मिलेगा, जहाँ पर अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हो और हमारे थ्रू यहाँ पर आओगे तो आपको कुछ परसेंट ऑफ के लिए मैं कह नहीं सकता, बट हाँ यहाँ पे अगर आओगे तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो ज़रूर दिया जाएगा, इतना मैं आपके साथ वादा करता हूँ कि आप हमारे थ्रू यहाँ पे आइए और एक बार देखिए, एक्सपीरियंस लीजिए फंजो का। ओ भाई साहब गाइस, मुझ के पहुँच चुके हैं घर पे, और अभी बज रहे हैं रात के 11, तो भाई साहब सारे दिन मौत तो शुद्ध क्यों खा ही बताऊँ बाढ़ गया, हालत ख़राब होगी भाई। देखो लोगों को ये लगता है कि वहाँ पे मज़े की नौकरी है, अच्छा मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा है, बाकी वैसे अच्छा अच्छा ही था, सब कुछ अच्छा ही था, ज़िंदगी का पहला दिन बहुत अच्छा निकला और आगे भी अच्छा ही निकले उम्मीद है। तो देखते हैं कल का कैसा व्लॉग रहता है, कल क्या करते हैं, तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।